ये उसी का असर है जब स्पष्ट रूप से राज्य के ज्वलंत विषयों को चुनना, ज्वलंत विषयों पर राय देना और फिर आगे की भी एक्टिविटी, आगे इस राज्य के लिए क्या अपेक्षित है उस पर कार्यक्रम संगठन तैयार किया है। इसलिए इस मॉडल को लोग विश्वास कर रहे हैं और उस मॉडल में आगे जाना चाहते हैं। भावना भी आ रही है गुमला को लेकर की पार्टी वहाँ उम्मीदवार जो हर कोई भावना जो हमें भी कल हमारे उड़ीसा के प्रतिनिधि आए थे वो चाहते हैं कि उड़ीसा में भी हमारा पार्लियामेंट असेंबली लड़े। बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर पार्लियामेंट में पार्टी को आना चाहिए। तो पार्टी का जैसे जैसे विस्तार होगा वहाँ संगठित होंगे वो अपेक्षा पार्टी के उस विचारों को लेकर निश्चित रूप से वो चुनाव में जाना चाहेंगे। इनकी भावना का हम सम्मान करते हैं, ये चीजें ये जानते हैं कि आगे इस राज्य हमारी व्यक्तिगत भावना से ऊपर राज्य की भावना होगी, हम लोग विचार करेंगे। रामगढ़ में स्कूल में जो घटना हुई, क्योंकि आपके सांसद उस पूरे मामले को लेकर सबसे ज्यादा मुखर थे, हालांकि उसमें गिरफ्तारी भी हुई। मैं मुखर होना लाजमी है, जो सक्रिय राजनीति में रहेंगे उन्हें तो वो दायित्व है वो करेंगे। हमारे सांसद साहब आगे आए, विषयों को एक दबाव क्षेत्र तैयार किया। सवाल ये है कि इस तरह की गतिविधि से लॉ एंड ऑर्डर को, स्कूल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये आपको हर चीज के लिए जगाना क्यों पड़ता है, क्यों नहीं आप समझते कि ये मेरा दायित्व तो है, इस ड्यूटी को मुझे करना चाहिए। बागेश्वर बाबा की बात आ रही है, नहीं मिल पा रही है, राज्य सरकार नहीं दे रही है वो उनके राज्य सरकार नहीं दे रही है तो कारण उल्लेखित किए हैं, तो फिर आयोजन समिति को कारण स्पष्ट करना चाहिए। अगर द्वेष की भावना से कर रहे हैं तो फिर न्यायालय में जाना चाहिए। सर, टीएमसी के सांसद है महुआ मित्रा, एक बयान सामने आया है, झारखंड के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि से यह अपेक्षा करता हूं, चाहे मित्रा जी रहे या कोई रहे, ये शोभा नहीं देता कि किसी प्रदेश के लिए हमारा अगर प्रतिनिधि किसी विषय को उठा रहा है तो उस प्रदेश को आप सीधे इंकित करके कोई इस तरह करें तो सरेशम, मैं तो चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि के अगर थोड़ा भी दायित्व है तो प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को भी बातें स्पष्ट करना चाहिए? मुख्यमंत्री आना चाहे नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने चॉइस से सामने आते हैं, हर चीज का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री आते कहाँ है। वो राज्य का मुख्यमंत्री का ओवरऑल दायित्व है, लेकिन किसी चीज में वो समझते हैं कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं तो यह समझता हूँ कि हर चीज पे मुख्यमंत्री को सामने रहना चाहिए। राज्यपाल को लेकर लगातार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कई मंचों से राज्यपाल पर जिस तरह से हमले, मैं अभी 2-3 दिन से अखबार को देख रहा हूँ जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये अच्छी बात है, डरना तो चाहिए नहीं, राजनेता को डरेंगे तो दिक्कत है। ऐसे ही मैं ये ऐसे ही कह रहा था कि इनको डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिन विषयों को लेकर सामने विषय जो आ रहा है उन विषयों पर ये डरे नहीं है, पहले भी इन विषयों से हमेशा इनका रिश्ता और संबंध रहा है, इसलिए वो डरना कहाँ है। जनता को खाली डरना चाहिए कि वो अगर कोई गलती कर ले तो जनता पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूँ, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत है। अगले साल लोकसभा विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी के साथ लड़ना है, क्या इरादा है? आप आज पहली बार मिल रहे हैं हमसे। चलिए, नीतीश कुमार रांची आ रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए और लोकसभा चुनाव को लेकर सीट की दावेदारी को लेकर मुख्यमंत्री, मैं क्या करूँ इसमें, वो आ रहे हैं तो उनसे बात करिएगा। दादा, एक सवाल आप कर रहे थे कि जनप्रतिनिधि, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, देखो आप 2-3 दिन पहले हजारीबाग की एक घटना आई, हजारीबाग में आपने देखा कि अखबार की सुर्खियां रही, आपने भी अपने चैनल पर लिया कि वहां के प्रतिनिधि ने कुछ जमीन घेरा था, जमीन घेरा, मैं राजशाही व्यवस्था इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ सरकार का कि घेरा, अखबार में ये खबर आती है कि वहां के सीओ ने एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर कराया, दूसरे दिन उसी अखबार में खबर आती है कि नेब ने अज्ञात आदि हैं। अब सवाल है कि इसको ऐसे ही ये न्यूज बन के निकल जाएगा, ये विषय है कि अगर सीओ का ये दुर्साहस बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट बोल रही है या फिर अगला उनका चिट्ठी ये जा रहा है कि नए अज्ञात लोगों के बारे में जा रहा है, तो सवाल है कि उस सीओ ने ये दुस्साहस किया है एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में कि इस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने और उनके खिलाफ में फंसाने का काम किया, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है क्या? एक्शन तो होना चाहिए, वो गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है सीओ किसी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकता है? तो बोल रही है फंसाया जा रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया, तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए, तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए कि सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया, अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं, कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है।
ठीक है सर, चलिए और कुछ।